The skit presented here is an imaginary version of Ramayana, where the main characters are inspired by some very interesting Bollywood characters. The character of Ram is inspired by Shah Rukh Khan. Sita is inspired by, well, a hell lot of people. Lakshman by Sir Kit of Munna Bhai. Ravan inspired by Gabbar. And finally, Hanuman inspired by Dharmendra. Presenting Ramayana 2012. डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सीता तेजी से बड़ी हो रही, उसके हाथ पीले करने, शादी के लिए लड़का सेलेक्ट करना, इसलिए सीता का स्वयंवर अरेंज किया गया। दूर दूर के राज्यों से अनेक एलिजिबल बैचलर्स आ पहुंचे थे। सीता का स्वयंवर जनकपुर। शाम 5:45 बजे पहले प्रतियोगी गंगनम प्रदेश से राजकुमार साई। ओपन गंगनम स्टार, गंगनम स्टार, ओपन गंगनम स्टार, गंगनम स्टार, ओपन गंगनम स्टार। दूसरे प्रतियोगी आमची मुंबई से सल्लू भाई। लंकापति रावण भी भटकता हुआ स्वयंवर पहुंच गया। और आखिरी कंटेस्टेंट प्रभु श्री राम। इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार में होना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो। तुमको मिलेगा उतना प्यार में होना। सीता राम पे फुल फिदा हो गई, फिर जनकपुर भी झूम उठा, उनके असली इमोशंस बाहर आने लगे। माड सता मशंद नंदोल बचिर मेलंगटी अररर नाकमुक 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 माड सता मशंद नंदोल बचिर मेलंगटी अररर नाकमुक 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 अररर नाकमुक 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 अररर नाकमुक 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 नाकमुक
மாடிசத்தான் மனுஷன் தோல வச்சு மேல கட்டி அறக்க நாக்கமுக்க நாக்கமுக்க மாடிசத்தான் மனுஷன் தின்னா தோல வச்சு மேல கட்டி அறக்க நாக்கமுக்க 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 நாக்கமுக்க. ஷாதி கே பஷாத் அப்படி பாரிவாரிக் சமஸ்யாவும் காரண ராம் சீதா और सर्किट लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा. वे वनवास के लिए ब्लैक फॉरेस्ट जाते हैं. शाम 5:45 बजे यहाँ राम और लक्ष्मण ब्लैक फॉरेस्ट में टाइम पास कर रहे हैं. रावण की बहन शूर्पणखा उसी रास्ते से जा रही थी. दो नौजवानों को अकेले देख शूर्पणखा लाइन मारने लगी. काटे नहीं कटते गाना सुन के लक्ष्मण ने बाय मिस्टेक शूर्पणखा का नाक काट दिया. शाम 5:45 बजे कितने आदमी थे सरदार? दो आदमी. दो आदमी. सुअर के बच्चों. ये सुन के रावण ने राम और लक्ष्मण से बदला लेने का शपथ लिया. शाम 5:45 बजे सीता बहुत दिन हो गए, कुछ स्पेशल खिला दो. मुझे फिश खाने का मन लग रहा है, ला दो भाई साहब. सर्किट मैं पकड़ने जा रहा हूँ, ध्यान रखना. टेंशन मत ले भाई, अपन इधर फुल संभालेगा. कोई टेंशन, बिंदास शिकार कर, अपन ध्यान रखेगा इधर. इतना देर हुआ भाई आया नहीं अभी तक, कुछ लोचा है क्या? भाभी मैं देख के आ रहा हूँ और तुम इधर ही रहना. ठीक है. मौका देख के रावण ने चौका मारा. रॉकेट सिंह सेल्समैन बन के सीता के घर पहुंचा. मैडम इटली से ब्लू वाइन लेके आया हूँ, आप भी थोड़ा ट्राई करो. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. फ्री है मैडम, पी लो. गुड़ गुड़ गुड़. शाम 5:45 बजे भाई मोटा माल पकड़ा है, आज तो मजा आ जाएगा पार्टी में. भाई भाभी नहीं दिख रहे, घर खाली पड़ा है. अरे हाँ यार, जरा फेसबुक पे देखना. भाई भाभी किडनैप हो गई है. क्या बोल रहा है?
अबे तुम्हारे भाभी है, जरा सीरियसली सोचते हैं। हनुमान को बुलाते हैं। सत्तर मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेल रहे हो, बोलो ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। तो कैसे खेलना आज मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी चाहे कुछ सही हो या ना, चाहे कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं जीत सकता, 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 कोई नहीं। हनुमान लंका पहुंचते ही मुझे कॉल कर देना। रघुराम मैं रोमिंग पे रहूंगा, मैं आपको मिस कॉल देता हूँ। हनुमान लंका उड़ चला। ठीक है, शाम 4:45 बजे अशोक वाटिका लंका। सीता श्री राम को बहुत मिस कर रही थी और मन ही मन गाना गा रही थी। जस्ट देन रावण मेक्स हिज एंट्री। तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। रावण क्रोधित होके हनुमान को हल्दीराम भुजिया दंड देकर चला गया। शाम 4:45 बजे राम सेना लंका की तरफ मार्च करने लगी, लेकिन राम सेतु पर न्यूज एंकर्स पहले ही पहुंच चुके थे। अभी अभी सूचना मिली है कि सीता किडनैपिंग केस में राम और साथी लंका पे अटैक करने वाले हैं। आइए डायरेक्ट राम से बात करते हैं, आपका स्ट्रेटजी क्या होगा? देखिए पहले तो ये सुना आपने कि किस तरह राम रेडी हो रहे हैं अपने सामान के साथ। मैं मरका दत्त लंका बॉर्डर से, बैक टू स्टूडियोस सागरिका। हनुमान ये क्या फैला के आया है तू? मैं अभी बहुत कुछ फैला सकता हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो प्रभुराम। नहीं इतना काफी है, चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। Thank you.
Hello, sir. I'm calling from HDFC Life Insurance. Your number has... Okay. Hello, sir. I'm calling from HDFC Life Insurance. Your number has been chosen for a pre-approved life insurance, sir. Where your wife and children will get a lot of money if something happens to you in the war. Sir, are you interested? Ramayan नहीं देखा क्या? रावण को कॉल करो, उसको ज़रूरत होगा। The sketch presented here is an imaginary version of Ramayana.